हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। और आज हम जानने वाले 5 सीक्रेट और हैप्पीनेस। तो चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर जो हमारा जो पहला सीक्रेट है उसका नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेल्फ। मतलब क्या कि आप अपनी खुशियों की अब दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, उसकी वजह से। आप खुद पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा स्टेप हमें हमारा चेंज योर स्टोरी। मतलब कि हम जिस तरह से लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि तो वो ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, हम दूसरों को एडवाइस देते हैं, तो उस एडवाइस में आप जिस तरह से अब जिस टोन में जिस बात करते हो, क्योंकि हर एक शब्द के पीछे एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है, तो अब जिस तरह से बात करते हो अगर आप वो थोड़ा सा चेंज करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्सेशन चेंज हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं हमारा तीसरा जो सीक्रेट है वो है एंजॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं इतने कमाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, तो बेसिकली आप अपने हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर रहे हो। तो आपको हमेशा अब जिस भी हाल में हो, जिस भी काम कर रहे हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, वहां पे आपको अपने एग्जिस्टेंस को आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। मतलब आपको अपने काम जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे बड़ा हो छोटे, उसमें आपको खुश होना चाहिए, ना कि उसके बाद। अब बात करते हैं हमारा जो चौथा है वो है मेक द डिसीजन योरसेल्फ। क्या मतलब है कि आप हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप कोई भी बारे में सोचते हो तो दो टाइप के वॉइस होते हैं आपके दिमाग में। पहला होता है कि नहीं उसे बता दूँ, ये वो कर लूँ, जैसे फिजिकली हो गया, और दूसरा हो गया नॉन वर्बली, जैसे आप अंदर बोलते हैं कि अंदर से आज नहीं ऐसा नहीं कर सकता, वो ये सब। तो ये सारी बातें अंदर की बात है। तो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ दो बार हमेशा क्रिएट होती है, पहले आपके माइंड में और दूसरी है वो है रियल वर्ल्ड में। तो हमेशा याद रखना कि आप उसी टाइप के आप फील करोगे जैसा आप अंदर से आप खुद के बारे में बोलते हो। तो हमेशा ही तो आप अगर खुद के बारे में ऐसा बोलते कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो नहीं वो नहीं हासिल कर सकता, कि उसके पास तो वो है मेरे पास ये नहीं है, तो अगर आप ऐसे आप सोचोगे तो आप कभी भी लाइफ में खुद नहीं रह सकते। तो हमेशा ही आप अंदर से अब जैसे भी आप अपने आप को बोलोगे वैसे ही बन जाओगे। और हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा ही आपके स्किल से बढ़ाने की ट्राई करना, क्योंकि आपकी इनकम कभी भी आपकी की सेस्ट हाई नहीं हो सकती। हमारा पांचवा पॉइंट है वो है बैलेंस वर्क विद प्ले। कोई भी काम करो, आधे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं, घर में है तो काम के बारे में सोचते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपको एक ही समय पे एक ही समय के फोकस करना आना चाहिए। अगर वो आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज आप नहीं सीखते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो हमेशा जब खाने सिंपली आप खाना भी खा रहे हो ना, तो सिंपली वही जगह पर आप फोकस करो, ऐसा नहीं कि टीवी भी देखो सर मोबाइल भी चलाओ। तो इसे ये सब डिक्लटराइजेशन होता है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज पर हमेशा फोकस करना, चाहे कोई भी काम कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो ये थे हमारे 5। मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूँ, जो हमारा पहला था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी योर ओन हैप्पीनेस, दूसरा था चैलेंज योर स्टोरी मतलब जिस तरह से डायरेक्ट बोल रहे हो, तुम्हारा तीसरा था वो था एंजॉय द जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, जो हमारा चौथा था वो था मेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेल्फ। क्योंकि अब वो तभी बुरा नहीं लगता कि जब आप कोई बोलता है कि तू ये कर, तू वो है, तू ये, तो जब भी कोई अब कुछ भी बोलता है तभी आपको बुरा नहीं लगता, बट आप मान ले तो कि मैं ऐसा हूँ तभी आपको बुरा लगता है। दिस इज द रिमेंबर दिस थिंग्स। हमारा जो लास्ट था वो था वर्क बैलेंस वर्क विद प्ले। मतलब हमेशा ही आप सुबह से जब भी आप काम करने से पहले आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि आज के दिन में क्या क्या करने वाला हूँ और क्या क्या नया सीखने वाला हो, क्या क्या काम करने वाला हो। तो हमेशा अपने पास लिस्ट होना चाहिए। आई होप
आपको ये पांच सीक्रेट पसंद आ गए, अगर पसंद आ गए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।